तो दोस्तों बहुत दिन पर मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि मेरा छोटा सा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इसलिए मैं थोड़ा बिजी हो गया था। तो अभी भी वो काम चल रहा है, काम अभी कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो वो काम होने के लिए और कुछ दिन लग जाएगा। तो चलिए आज ही वीडियो के अंदर आपको जो देखूँगा कि जो प्रॉब्लम, तो ये प्रॉब्लम को कैसे आसानी से रिपेयर आप कर सकते हो। कुछ भी CRTTB हो सकता है, कुछ भी CRTTB हो सकता है, सबका ऊपर आपको ये वीडियो के अंदर नॉलेज देने के लिए मैं कोशिश करूंगा। तो दोस्तों ये वीडियो आप शुरू से लास्ट तक वॉच कीजिए। आज दोस्तों ये वीडियो के अंदर आपको देखाऊंगा कि ये जो टीवी का प्रॉब्लम है, CRTTB का, इसी तरह जो प्रॉब्लम है, इसी तरह प्रॉब्लम मतलब साउंड ओके आएगा और पिक्चर नहीं आएगा, सिर्फ ओनली ऊपर से नीचे स्ट्रेट ट्यूबलाइट जैसा इस तरह देखने को मिलेगा। तो आप ये प्रॉब्लम को आसानी से रिपेयर कर सकते हो। किस तरह ये प्रॉब्लम को रिपेयर कर पाओगे तो आपको डिटेल्स ये वीडियो के अंदर बताऊंगा। कुछ भी टीवी, कुछ भी CRTTB हो सकता है, पूरा डिटेल्स आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये जो सिम्टम अच्छा करके देखिए, ऊपर से नीचे स्ट्रेट लाइन आ जाएगा, ठीक है। और पिक्चर देखकर टेस्ट करेगा तो इसका बीच पिक्चर हल्का सा शो होगा और इसका लेफ्ट और राइट साइड दोनों साइड का अंदर कुछ भी पिक्चर नहीं आएगा। तो दोस्तों ये जो लाइन है ये वर्टिकल लाइन है, ये लाइन को वर्टिकल लाइन कहा जाता है। तो दोस्तों ऊपर से नीचे ये जो वर्टिकल लाइन मतलब वर्टिकल सेक्शन ओके है, हॉरिजेंटल सेक्शन का फॉल्ट है, ठीक है। हॉरिजेंटल सेक्शन का क्या क्या फॉल्ट होते हो सकता है, चलिए मैं टीवी बैक कवर ओपन करने के बाद इसका पीछे पूरा डिटेल्स आपको दिखाता हूँ। दोस्तों टीवी का बैक कवर मैं ओपन किया, ओपन करने के बाद जो देखा जाता है कि इसका अंदर जो योक कॉयल है, तो दोस्तों ये बहुत बड़ा सा योक कॉयल है। तो दोस्तों इसी तरह योक कॉयल मतलब योक कॉयल का ऊपर इसी तरह बेसबोर्ड देखा जाता है, तो ठीक है, इसी तरह सॉरी बोर्ड देखा जाता है, तो PCB देखा जाता है, तो PCB के ऊपर कुछ इस तरह पीसेट देखा जाएगा। तो दोस्तों ये मॉनिटर का पिक्चर ट्यूब का योक कॉयल है। तो दोस्तों एक्चुअली ये 17 इंची CRT मॉनिटर का पिक्चर ट्यूब है, ठीक है। और इसका अंदर इसको मॉडिफाई करके जो TV का PCB ये कनेक्शन करके TV बनाया, ठीक है। इसी तरह मार्केट के अंदर अभी जो TV आता है तो देखने को मिल जाता है। तो ये मार्केट का लोकल ब्रांड TV है, बट ब्रांडेड TV होगा तो आपको क्या चेक करना पड़ेगा, और इसी तरह लोकल ब्रांड होगा तो आपको क्या चेक करना पड़ेगा। तो दोस्तों फर्स्ट आपको चेक करना पड़ेगा कि योक कनेक्शन का जो वायर होता है, योक कनेक्शन का जो वायर चारों वायर मिली देखा जाता है। देखिए यहाँ पर एक रेड वायर है, यहाँ पर एक ब्लू वायर है, ठीक है, और यहाँ पर एक व्हाइट और यहाँ पर एक ब्लैक वायर है। तो दोस्तों व्हाइट और ब्लैक ये वर्टिकल का वर्टिकल वायर मतलब वर्टिकल सेक्शन ओके है, ये देखने का जरूरत नहीं है, ठीक है। और ये ब्लू वायर और रेड वायर, तो दोस्तों ये हॉरिजेंटल का वायर है। तो दोस्तों ये जो लाइन, ये दोनों लाइन पकड़ करके आपको फॉल्ट को रिपेयर करना पड़ेगा, ये लाइन का फॉल्ट है। तो ये वायर ओपन हो जाएगा तो इसी तरह फॉल्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये वायर ओपन नहीं होगा मतलब यहाँ से टूट जाता है, यहाँ से भी टूट जाता है, बट दोस्तों ये टूटा हुआ नहीं है, ठीक है। और इसका साथ मैं बताना चाहता हूँ, ये जो योक कॉइल का ये जो वायर है, ठीक है, ये अंदर से कट जाएगा तो तब भी ये प्रॉब्लम हो सकता है, बट ये नहीं, आसानी से नहीं होता है। जो फॉल्ट होता है अधिकतर ये वायर काट जाता है और PCB का फॉल्ट हो सकता है। तो चलिए ये रेड और ब्लू वायर दोनों वायर को पकड़ के आप PCB पर आइए और इसका कनेक्शन आपको डिटेल्स देखना पड़ेगा। चलिए मैं PCB को थोड़ा ओपन कर लेता हूँ, इसका अलग अलग वायर देखने का कुछ भी ज़रूरत नहीं है। देखिए ये जो रेड वायर, ये रेड वायर यहाँ पर आ गया और ब्लू वायर यहाँ पर आ गया, आपको देखना पड़ेगा इसका अंदर दोनों वायर टूटा हुआ है कि नहीं। तो दोस्तों ये भी टूटा हुआ नहीं है। और ये जो ब्लू वाला वायर जो PCB का साथ कनेक्शन है, देखिए मैं आपको क्लियर करके दिखाता हूँ। देखिए ये जो ब्लू वायर है ये भी टूटा हुआ नहीं है। और इसका साथ आप PCB का नीचे भी एक बार देखिए कि जो सोल्डरिंग जो रंग होता है वो लूज कॉन्टैक्ट तो नहीं है, ये भी आपको देखना पड़ेगा। तो ये ब्लू वायर सेक्शन ओके है और जो रेड वायर का जो ये कनेक्शन है, देखिए ये चॉपर से जो कनेक्शन है, तो यहाँ पर भी कनेक्शन ओके है, ठीक है, ये भी टूटा हुआ नहीं है। और क्या देखना पड़ेगा, तो दोस्तों चाइना PCB का अधिकतर जो फॉल्ट होता है, लोकल ब्रांड PCB का अधिकतर जो फॉल्ट होता है, और इसी तरह PCB का जो अधिकतर फॉल्ट होता है कि चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो ब्लू वायर हो सकता है, ये रेड वायर हो सकता है, ठीक है। तो इसका अंदर PCB से कनेक्शन मिलता है, तो दोस्तों ये कैपेसिटर जैसा देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों ये कैपेसिटर नहीं है, ये कॉयल है, अधिकतर ये कॉयल कट जाता है। तो दोस्तों ये मार्केट के अंदर न्यू जो कॉयल आप खरीद करके जाएगा तो ये हो सकता है नहीं मिलेगा, तो आप पुराना PCB से यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और आपके पास पुराना PCB नहीं है तो तब भी आप कर सकते हो ये वायर को डायरेक्ट सट करके। और दोस्तों आपको बताना चाहते तो ब्रांडेड PCB होगा तो ब्रांडेड PCB के अंदर इसी तरह जो PF देखा जाता है, ठीक है,
ये रेड टाइप हो सकता है, ठीक है, ऑरेंज टाइप हो सकता है, बॉक्स टाइप पीएफ भी हो सकता है। तो इसी तरह जो पीएफ देखा जाता है अधिकतर जो 400 वोल्ट पीएफ का ऊपर लिखा देखने को मिलेगा, 400 वोल्ट, 450 वोल्ट, 250 वोल्ट, ठीक है, 330 वोल्ट, इसी तरह जो पीएफ वोल्टेज वैल्यू का पीएफ देखा जाता है, वो पीएफ अधिकतर फट जाता है बैंडेड पीसीबी के अंदर। तो वो पीएफ फट जाने का रीजन से इसी तरह जो लाइनिंग प्रॉब्लम मिल सकता है, आपको ठीक से देखना पड़ेगा। तो चलिए, ये जो पीसीबी है, ये पीसीबी का ये जो बोर्ड है, कैसे आसानी से चेक करें कि इसका अंदर कौन सा फॉल्ट है। बट फर्स्ट आपको बात है, अधिकतर इसका कॉयल, ये कॉयल फॉल्ट होता है, ठीक है, ये कॉयल का कनेक्शन पीसीबी उल्टा करके भी आपको देखूंगा। और उसका पहले ये जो चॉपर है, बहुत टीवी का अंदर ये चॉपर देखा नहीं जाता है, अधिकतर 17 इंची मॉनिटर ट्यूब का अंदर इसी तरह चॉपर देखा जाता है। ये चॉपर का काम क्या है कि हॉरिजेंटल का जो दोनों साइड होता है, पिक्चर का जो दोनों साइड होता है, जो टीवी का जो पिक्चर का दोनों साइड, वो एडजस्ट करने के लिए, और जो ओवरहीट हो जाता है आउटपुट ट्रांजिस्टर, ठीक है, ओवरहीट को रुकने के लिए ये कॉयल यूज़ होता है। ये कॉयल लगाने के बाद इसका आउटपुट जो लोड वो कम हो जाता है, ठीक है। तो इसका सिस्टम बहुत बढ़िया सा सिस्टम है, ठीक है। तो चलिए, फर्स्ट क्या करना पड़ेगा कि ये कॉयल ओके है कि नहीं, आप कैसे चेक करें। फर्स्ट ये जो रेड वाला वायर है, आपको ये रेड वायर को ओपन कराना पड़ेगा, ठीक है। ओपन करने के बाद आपको देखना पड़ेगा कि ये कॉयल का ये साइड से, ये जो रेड साइड है और ब्लू साइड, इसका अंदर भी ओके है कि नहीं है, ये सब कुछ आप आसानी से चेक कर पाओगे। किस तरह करना पड़ेगा, चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखाता हूँ। छोटा सा वीडियो होगा, बट आप शुरू से लास्ट तक देखेगा तो आपका पास इसी तरह प्रॉब्लम आएगा, तो 100% आप रिपेयर कर पाओगे, ठीक है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। अभी देखिए, मैं ये जो रेड वायर को पीसीबी से ओपन किया, इसका अंदर मीटर का ब्लैक कॉर्ड मैं कनेक्शन किया, ठीक है, और मीटर को मैं बार्जर मोड पर सिलेक्ट किया, ठीक है, बीप साउंड आएगा। तो देखिए, मैं आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ। देखिए, यहाँ पर टच करने के बाद देखिए, ये क्वांटिटी शो होगा, बीप साउंड आएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या देखना पड़ेगा कि ये जो रेड वायर, ये कॉयल का अंदर यहाँ पर कनेक्शन है, और यहाँ से कनेक्शन यहाँ पर आता है कि नहीं, इसका कनेक्शन इंटरनल है कि नहीं, आप यहाँ पर चेक कीजिए। देखिए दोस्तों, मीटर का अंदर बीप साउंड आ रहा है और इसका क्वांटिटी मिल रहा है। और उसके बाद आपको देखना पड़ेगा कि ये जो कनेक्शन यहाँ से यहाँ तक तो है, और यहाँ से यहाँ तक है कि नहीं है, ये भी आपको चेक करना पड़ेगा। चलिए मैं मीटर को टच करके आपको दिखाता हूँ, और मीटर पर भी आप ध्यान दीजिए। देखिए, मैं यहाँ पर टच करके दिखाता हूँ। देखिए, यहाँ पर भी कनेक्शन ओके है, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या देखना पड़ेगा कि ये जो वायर, ब्लू वाला वायर, यहाँ से यहाँ तक कनेक्शन है, तो यहाँ पर भी बीप साउंड देखने को मिलेगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी कनेक्शन ओके है, बीप साउंड आ रहा है। और उसके बाद इंटरनल यहाँ से यहाँ तक कनेक्शन ओके है कि नहीं है, ये भी आपको देखना पड़ेगा। देखिए, यहाँ पर कनेक्शन भी ओके है, तो मतलब इसका इंटरनल ये कॉइल का कनेक्शन भी ओके है, और यहाँ से जो लाइन कनेक्शन, यहाँ पर भी आप चेक करके देखिए कि सब कुछ कनेक्शन ओके है, ठीक है। तो सब कुछ कनेक्शन ओके होने का बाद भी ये प्रॉब्लम मिल रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये सब कुछ मैं चेक किया नॉर्मल कूल कंडीशन पर, मतलब सप्लाई ऑफ करके, आपको सप्लाई ऑफ करके देखना पड़ेगा। मैं न्यू टेक्नीशियन को बहुत क्लियर करके बताना चाहता हूँ। चलिए, मैं ये कनेक्शन यहाँ पर कर देता हूँ, जिस तरह इसका कनेक्शन था। और उसका बाद क्या करना पड़ेगा, पीसीबी को आपको पलट के देखना पड़ेगा। एसी सप्लाई, ये वायर को मैं आउट कर दिया, और उसका बाद आपको देखना पड़ेगा कि ये जो कॉयल है, देखिए यहाँ पर आपको जो बताया कि ये जो हॉरिजेंटल का पॉइंट है, ये दो पॉइंट हॉरिजेंटल योग कॉयल का, ये दो पॉइंट हॉरिजेंटल योग कॉयल का पॉइंट है, और नीचे ये वर्टिकल का, वर्टिकल सेक्शन ओके है, इसका हॉरिजेंटल लाइन को देखना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये जो लाइन है हॉरिजेंटल का, ये ट्रांजिस्टर का मिडिल पिन का साथ कनेक्शन है, और नीचे वाला जो लाइन है, देखिए यहाँ पर जो लाइन आता है, बीच में एक कॉयल है, जो कॉयल आपको ऊपर से दिखाया, ठीक है। तो ये दो कॉयल का आपको मीटर से चेक करके देख सकते हो, ठीक है। चलिए, मैं आपको एक बार चेक करके दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, ये दो कॉयल को चेक किया, और मीटर पर देखिए कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं है, ठीक है। ये दो कॉयल, कॉयल का पॉइंट को चेक करके देखने के बाद कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं है, मतलब ये कॉयल काट गया है, ठीक है। ये कॉयल का सिंबल भी आप देख सकते हो, और ये जो लाइन आ रहा है, आप देखिए यहाँ से,
ठीक है, यहाँ से, और बीच में यहाँ पर देखिए ये कनेक्शन है, यहाँ पर यहाँ से एक पीएफ है, ठीक है। तो ये पीएफ ओपन हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो सकता है, बट चाइना पीसीबी और लोकल पीसीबी के अंदर इस तरह प्रॉब्लम नहीं देखा जाता है, अधिकतर ये कॉइल ही फॉल्ट हो जाता है। ब्रांडेड पीसीबी होगा तो आपको इसी तरह पीएफ को देखना पड़ेगा अधिकतर जो होता है, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, मैं छोटा सा एक वायर लेता हूँ, ठीक है। ये वायर को क्या करूँगा, ये जो दो पॉइंट है ये दो पॉइंट का साथ शॉर्ट कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए मैं एक हाथ से कैमरा कर रहा हूँ देखने के लिए, प्रॉब्लम हो जाएगा शॉर्ट करने के बाद आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों देखिए, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट को मैं कॉइल को मैं जस्ट ज्वाइन कर दिया, ठीक है। ये पॉइंट को मैं शॉर्ट कर दिया, ठीक है। ये सिंपल तरीका है शॉर्ट करने के बाद। चलिए मैं आपको सामने ही मैं सप्लाई देके देखूंगा इसका रिजल्ट, सही रिजल्ट मिलता है कि नहीं, ठीक है। तो चलिए ऐसे सप्लाई में कनेक्शन कर दिया, और चलिए मैं सप्लाई देके आपको दिखाता हूँ। चलिए मैं सप्लाई दे दिया, और आपको देखना पड़ेगा स्क्रीन के अंदर कि फुल लाइट आता है कि नहीं। देखिए दोस्तों, इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो दोस्तों इसी तरह बहुत आसानी से कुछ भी टीवी हो सकता है, उसको कैसे रिपेयर किया जाता है, इसी तरह प्रॉब्लम के ऊपर मेरा चैनल के अंदर वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों ये चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए, और वीडियो के अंदर आपको जो इन्फॉर्मेशन शेयर किया मैंने न्यू टेक्नीशियन को, अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिए, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक्स प्रॉब्लम के ऊपर आप लॉन्ग डिस्कस करना चाहता हो तो ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉलो कीजिए, उसका अंदर एक टेलीग्राम चैनल लिंक और एक टेलीग्राम ग्रुप लिंक मिल जाएगा, ठीक है। आप टेलीग्राम चैनल और ग्रुप पर ज्वाइन होने के बाद, ठीक है, आप सब कुछ आसानी से डिस्कस कर सकते हो। तो दोस्तों टेलीग्राम जो ग्रुप है व्हाट्सअप जैसा, आपको प्ले स्टोर से फास्ट टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल कराना पड़ेगा, ठीक है। इंस्टॉल करने के बाद तो दोस्तों आप आसानी से लिंक क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हो। चलिए एक बार वीडियो प्ले करके देखता हूँ। मैं कॉर्ड तो कनेक्शन कर दिया, और सेटअप बॉक्स कनेक्शन करने के बाद देखिए दोस्तों इसका वीडियो आ गया, और इसका स्पीकर लाइन अभी ओपन है, ठीक है। थैंक यू दोस्तों ये वीडियो फुल वॉच करने के लिए।